हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 कंप्लीट रीड कर लिया था। नाउ एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 7, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वी शुड गिव अप लेजीनेस, इसमें होगा ट्रू। सेकंड द पीकॉक इज फ्री टू प्ले विद द बॉय, इसमें फॉल्स। थर्ड रोहित प्लेस विथ हिज फ्रेंड इन द मॉर्निंग, फॉल्स। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, फॉल्स। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हुई। फर्स्ट में ट्रू, सेकेंड में फॉल्स, थर्ड में फॉल्स एंड फोर्थ में फॉल्स। ओके, नाउ एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट ए पंचुअल बॉय, आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ए पंचुअल बॉय डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। सेकंड, हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डी में है रोहित। हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, रोहित। थर्ड, लेजीनेस इज फॉर अस, इसमें हो गए 4 ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बी, लेजीनेस इज बैड फॉर अस। ये हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट हुई, जिसमें फर्स्ट में डी, सेकंड में डी, थर्ड में बी पे आपको टिक लगाना है। नाउ एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ। आंसर, रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। सेकंड, व्हाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित। आंसर, All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work. Therefore, they did not play with Rohit. All the birds and animals in the garden were busy in doing their own work. Therefore, they did not play with Rohit. Third, in the end of the story, Rohit's parents were happy with him. Why? Answer, Rohit's parents were happy with him in the end of the story because he had now become a punctual boy and had given up laziness. Rohit's parents were happy with him in the end of the story because he had now become a punctual boy and had given up laziness. Okay, तो आपको exercise A, B, C अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, साथ ही में लर्न भी करना है। ओके, थैंक्स।